देखिए भाई लोग, जब मैं लुलु से गेम प्ले करता था तब भी मुझे एक चीज मालूम था कि कैरम पूल में अगर किसी चीज का औकाद है, किसी चीज का अगर स्वैग है, तो वो बस फेयर गेम प्ले का ही है। देखिए यहाँ पे, देखिए भाई, ये जो शाहन, ये इस भाई साहब से हमारा गेम प्ले लगा, हमारा ये मिस हो गया, अक्सर हम मिस करते ही है, तो उसके बाद हम वो गेम हार गए, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं। आई हैव नो बैड फीलिंग्स बिकॉज ये भाई साहब फेयर प्लेयर थे भाई। और मैं आजकल नोटिस कर रहा हूं कि मुंबई का टेबल पे आज भी इतना सारा फेयर प्लेयर्स कहाँ से आ रहा है भाई। हाँ, आज भी मुझे ये ऑटो प्ले का जो हमारे भाई लोग हैं, मतलब हमारे जो चू भाई लोग हैं, उन लोगों को छोड़ के भी आज भी जब हमको इतना सारा फेयर प्लेयर्स मिलता है, जब हम 5 गेम में से 2 गेम हमको फेयर प्लेयर मिल रहा है, तो मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। और मुझे बहुत अजीब सा भी लग रहा है कि भाई ऐसे माहौल पे भी जब लोग फेयर गेम प्ले कर रहे हैं, तो भाई कुछ बात तो है हमारा कैरम पूल पे भाई। अभी शायद आप में से काफी सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि वो लुलु वाले दिन ही अच्छे थे। शुरू शुरू में लुलु प्लेयर्स आ गया, ये लुलु प्लेयर्स कहाँ से आ गया, लुलु को हरा दिया, तो तब लगता था कि भाई लुलु प्लेयर है, कितना खतरनाक प्लेयर है, कितना बड़ा चीटर है। लेकिन आज का डेट पे आप लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हमारा किसी हैकर से गेम प्ले लग जाए तो वो बस लुलु का ही हो, है ना? तो अभी तो लुलु बहुत क्यूट सा लग रहा होगा आप लोगों को कि कम से कम मौका तो मिलता था। यहाँ पे देखिए भाई, बिग बॉस, ये सब नाम सुन के ही ना मुझे पहले ही शक हो जाता है कि ये तो भाई सीधा बंदा नहीं होंगे, है ना? अब देखिए भाई, खेल शुरू हो चुका है भाई। हाँ, मतलब भाई क्या कर रहे हैं, खेल शुरू कर चुके हैं, औकात पे आ चुके हैं भाई। और हम क्या करेंगे, हम भी अपना औकात पे आ जाएंगे भाई, रिपोर्ट करेंगे भाई। हाँ, बिग बॉस बाराटा, ये बंगाली में हम लोग बोलते हैं बारा, तो ये है बिग बारा, समझ रहे हो ना? आप किसी बंगाली से पूछ लेना बारा का मतलब क्या होता है वैसे। तो ये जो बिग बारा अपना जो गेम चल रहा है उसका, वो तो खेल नहीं रहा, वो तो कुछ कर नहीं सकते, तो अपाहिज है, जो भी है हमें दुख है, तो बस रिपोर्ट मार सकते और क्या कर सकते। चलिए छोड़िए छोड़िए भाई। उसके बाद देखिए, एक और बी से मुलाकात होता है, बैड बॉय। ये जो बैड बॉय है, परचेज किया हुआ स्ट्राइकर है, अच्छा स्ट्राइकर है, हमने उठाया नहीं, जो भी है। तो अब स्ट्राइकर वो होने से क्या भाई, मेरे को लग रहा था कि ये भाई साहब फेयर तो खेल नहीं रहे भाई। हाँ, 68% विन रेट भी है उनका। हाँ, जो भी है, अब हम देखिए भाई, रिपोर्ट मारने से पहले मैं शॉट को 2-4 बार देख लेता हूँ भाई। हाँ, लेकिन एक चीज है, वो ऑटो प्ले से तो नहीं खेल रहे, लेकिन हमको लगा कि भाई भले ऑटो प्ले से ना खेल रहे हो, ये भाई इतना तेज तेज कनेक्शन ले रहा है, हाँ ये फेयर तो नहीं है भाई, ये बी टेम वाले होंगे भाई। तब हम थोड़ा सा पिए हुए भी थे, हमने सोचा क्या भाई इसको भी रिपोर्ट मार देते हैं भाई, बी टीम वाले को भी। वैसे मैं इन जनरल मैं बी टीम वालों को रिपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ ऑटो वालों को रिपोर्ट करता हूँ, लेकिन उस दिन क्या मन हुआ मेरा, हमने सोचा मार देते हैं इसको भी रिपोर्ट भाई, ये कनेक्शन भाई इतना तेज, अच्छा तिरछा कनेक्शन मारा है। तो उसके बाद देखिए, अभी गेम प्ले पे आपको पता चल जाएगा कि ये भाई ये बी टीम वाले ही है। यहाँ पे देखिए, ये अटेम्प्ट क्या है, ये किस टाइप का अटेम्प्ट है, आप लोगों को क्या लग रहा है? हाँ, ये बी टीम का अटेम्प्ट है भाई। हाँ, ये
हमारा ब्लैक पाक को ब्रश करके पॉकेट करके फिर उसको निकालने का चक्कर है भाई। तो लेकिन वो भी अटेम्प्ट तो भाई फेल हो गया क्योंकि जल्दी में लिए शॉट, वक्त खत्म हो जा रहा था। तो अभी देखिए भाई, भाई साहब का पास एक लेजेंडरी स्ट्राइकर है, हमारा पास इंदास है भाई, ठीक है। अब इंदास का खेल देखिए भाई, बोर्ड को खत्म करते हैं भाई। देखिए मैं सोच रहा था कल परसों कि भाई हमारे जो पुराने स्ट्राइकर्स हैं, अभी चाहे जितना भी नए नए स्ट्राइकर्स आए, हमारे पुराने कुछ कुछ ऐसे स्ट्राइकर्स हैं जिसको अगर आप गौर से सोचेंगे ना, तो वो बहुत ही कूल स्ट्राइकर्स है भाई, बहुत ही स्टाइलिश। मतलब आज जितने भी नए स्ट्राइकर्स निकल रहा है, उसमें से कई स्ट्राइकर्स से भी ज्यादा कूल हमारे पुराने स्ट्राइकर्स है। जैसे कि ये जो वायलट एपिक है भाई, ये पूरा बिल्कुल बैटमैन स्टाइल का स्ट्राइकर है भाई। हाँ ये, और ये बहुत खतरनाक लगता था मुझे जब मैं शुरू में कैरम पूल खेल रहा था। तो कुछ डिजाइन्स के स्ट्राइकर से जो सही में पुराने स्ट्राइकर से जो सही में एक्चुअली कूल स्ट्राइकर था। तो मैं जो कह रहा था भाई, ये कैरम पूल के सबको मालूम है भाई कि भाई अगर किसी चीज का औकात है, किसी चीज का अगर स्टाइल स्टेटमेंट बनता है भाई, वो है फेयर गेम प्ले का, और वो फेयर गेम प्ले का स्किल्स का भाई। ठीक है, आपका कितना बिलियन विनिंग हो गया, आपका पास कितना लेजेंडरी स्ट्राइकर्स है, उससे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ऑटो प्ले से खेल रहे या बीटेम से खेल रहे। तो ये भाई सबको बहुत रग रग से वाकिफ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो खुद को ही धोखा देते हैं। हाँ, विन लगा के, विन को इंपॉर्टेंस दे के कि हमको विन करना है, विन करना है। किसको दिखाओगे आप जब ऑटो प्ले से गेम प्ले कर रहे हैं? तो आपका ये जो विन है, वो आपका ओपोनेंट क्या सोच रहा है, कि आपको सलाम ठोक रहा है क्या आपका ओपोनेंट? हाँ, जब आप ऑटो प्ले से विन कर रहे हैं, आपको बस एक बहुत बड़ा चू सोचता है और कुछ नहीं भाई, है ना। जो भी हो भाई, आज का वीडियो का आखिरी गेम प्ले पे आते हैं, जो एक फेयर प्लेयर से हमारा लगा था। बड़ा कैजुअल सा था, बड़ा अनप्रोफेशनल था वो गेम, लेकिन आपको देख के अच्छा लग सकता है। अफजल भाई का साथ ये जो गेम प्ले है, ये शुरू वाला शुरुआती कुछ चाल बहुत ही बोरिंग है, तो हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा स्पीड को बढ़ा देते हैं। ब्लेस से गेम प्ले करने में मेरे को हमेशा मजा आता है ना, और ओपोनेंट को भी, आपका ओपोनेंट को भी बहुत मजा आता है जब आप ब्लेस से गेम प्ले कर रहे हो, एटलीस्ट मुंबई एंड अबव टेबल्स पे। तो ये अफजल बांसबेड़िया, बांसबेड़िया नाम का कोई जगह है भाई, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कहाँ पे हम सुने थे बांसबेड़िया। एक तो हमारा कलकत्ता में है बांस द्रोणी, लेकिन बांसबेड़िया भी हम कभी गए हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, शायद हमारा त्रिपुरा की तरफ होगा, पता नहीं मुझे बांसबेड़िया कहाँ मैंने सुना है। जो भी हो, ये अफजल भाई है बिल्कुल फेयर प्लेयर भाई, है ना, और हम है ब्लेस का साथ, ठीक है। तो हम ना, हमने सोचा कि फेयर प्लेयर है, अभी क्या करें, अब हम बड़ा कैजुअल से स्टार्टिंग ले रहे थे क्योंकि हमको मालूम है मौका हमको मिलेगा ही भाई। पिछला वीडियो का जो टॉप 3 कमेंट्स थे, ये कुछ ऐसा है भाई। तो सबसे पहला कमेंट था राजा बोरा, बिल्कुल बहुत रेगुलर व्यूअर है हमारे। और दूसरा कमेंट आया था मुसवर अली भाई, अरे आप लोग तो जानते ही हो, बहुत बार हमने इनका नाम अपना वीडियो पे लिए है। तीसरा कमेंट आया ट्रस फ्राटेड, काफी अनकॉमन अंग्रेजी शब्द है, तो इसका मतलब है कि जब बंदा काफी फ्रस्ट्रेटेड रहता है और एंग्री रहता है, और उसको समझ में नहीं आता कि वो किस पे यकीन करे, किस पे वो ट्रस्ट करे, वो जब उसको समझ में नहीं आता तो वो बंदा हो जाता है ट्रस फ्राटेड। आप ऑब्वियसली कैरम पूल पे रहेंगे तो कोई इससे बेहतर क्या हालत में हो सकते हैं, सभी लोग हो जाएंगे ट्रस्ट फ्राटेड। अब इस वाले अटेम्प्ट को जरा देखिए भाई, ठीक है। तो ये वाला अटेम्प्ट जैसे सक्सेस हुआ,
तो हमारा ओपोनेंट ये अफजल भाई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यही तो नेचर है भाई फेयर प्लेयर लोगों का, ठीक है ज्यादातर। तो जो भी हो उसके बाद हम तो फंस चुके थे भाई, और हमको अचानक से याद आया अनवर भाई का, ठीक है। हमने सोचा अनवर भाई का स्टाइल में एक ब्रश शॉट का अटेम्प्ट लिया जाए, हाँ, क्योंकि नहीं तो वो ब्लॉक कैसे हटेगा हमारा। तो हमने सोचा इसको ब्रश करके बिल्कुल अनवर भाई का स्टाइल में उसको पॉकेट करते हैं, इसको हटाते हुए। लेकिन भाई हुआ नहीं, अभी भी हम अनवर भाई का लेवल पे नहीं आए, और मेरा ख्याल से कभी आएंगे भी नहीं। जो भी हो, तो उसके बाद भाई अफजल भाई को फिर से मौका मिलता है, ताजिम अहमद भाई। और ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि वो 7 नंबर कमेंट किए हैं। हमको क्या मन हुआ, हमको लगा कि इनका कमेंट भी हम आपको डिस्प्ले करते हैं भाई। अफजल भाई ने मिस तो कर दिया जरूर, लेकिन हमारा सिचुएशंस भी काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमको डाल दिया भाई। अब इसको इनडायरेक्ट मारने के लिए थोड़ा ट्रबल भी है, क्योंकि बीच में एक और पक रखा हुआ है, उससे ना टकरा जाए, है ना, उसको बचा के हमको पॉकेट करना है भाई। देखते हैं हमारा ब्लेस क्या सक्सेसफुल इसको पॉकेट कर पाता है या नहीं। ब्लेस ने अपना खेल दिखा दिया। आज का वीडियो पे बस इतना ही था, बहुत तेज मिलेंगे आप लोगों से एक और नया वीडियो। और याद रखना, टशन अगर किसी चीज का है कैरम बोर्ड पे, तो वो बस फेयर गेम प्ले का ही है।